हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी होता है, इससे कि हमारी बॉडी को कोई इंजरीज के चांस भी नहीं होते हैं और हमारी बॉडी एकदम वर्कआउट के लिए आसानी से रेडी हो जाती है और हम एक आसानी से वर्कआउट कर पाते हैं। तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या रेस लगाते हैं या जिम में वर्कआउट करते हैं, घर पर वर्कआउट करते हैं, तो आपको वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज आपको कुछ वार्म अप के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो वीडियो होने वाला बहुत ही मजेदार, एंड तक देखना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज लगाएंगे इस कंडीशन में, दोनों हाथ रखने हैं इस कंडीशन में और पंजों पे इस कंडीशन में कूदना हमें। तो इस कंडीशन में कूदना हमें पंजों पे। इसीलिए हमारी बॉडी में एकदम रक्त एकदम बढ़िया तरीके से घूम जाएगा और हमारी बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। तो इस कंडीशन में कूदना, तो पहले एक्सरसाइज इस कंडीशन में लगानी है, पीछे से इस कंडीशन में। और अगली एक्सरसाइज लगाएंगे इस कंडीशन में, पैर रखने अपने इतने फासले से, ना ही ज़्यादा दूर है और ना ही ज़्यादा क्लोज है, और सिरो सिरो इस कंडीशन में साइड माना, जिससे कि हमारी पूरी सारी मसल एकदम खुल जाएंगे अच्छे से। इस कंडीशन में पूरा बैठ जाना, फिर से उठना इस कंडीशन में पूरा एकदम फोकस करके, और आपको ये पूरा एकदम सीधा रखना टांग को इस कंडीशन में, और हाथ रखने अपने कमर के पास। और अब लगाएंगे अगले एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी है इस कंडीशन में, ऊपर फिर से घूम जाना इस कंडीशन में पूरा एकदम घूम के। इस कंडीशन में पूरा एकदम फोकस रखना अपने एक्सरसाइज पर, पूरा एकदम लचीला बनाना अपनी मसल को इस कंडीशन में। और हम अब करेंगे अपने शोल्डर को रोटेट इस कंडीशन में, हाथ रखने अपने सीधे इस कंडीशन में, इससे हमारी शोल्डर की मसल एकदम खुल जाएंगे अच्छे से। साइड से इस कंडीशन में पूरा एकदम पीछे की तरफ घुमाना, और अब लगाएंगे अगला एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी है जगह पे ही, हमें रेस लगानी है और इस कंडीशन में ऊपर की तरफ। तो आपको जगह पे रेस लगानी है इस कंडीशन में, इससे हमारी और भी जल्दी बॉडी तैयार हो जाएगी, गर्म हो जाएगी इस कंडीशन में। पूरा एकदम ऊपर की तरफ पैर लाने और अगली एक्सरसाइज लगानी है हमें इस कंडीशन में, अपने पैर रखने हैं सामने और हाथ पीछे की तरफ, और टांग रखनी है अपनी सीधी इस कंडीशन में। पूरा एकदम हाथ का अपने टेकना नीचे, इससे हमारी पूरी बैक और लेग्स की जो मसल है वो एकदम अच्छी तरीके से लचीली बन जाएंगी। तो इस कंडीशन में पीछे तक ले जाना हाथों को और फिर से आगे लाना पीछे और आगे की तरफ। अगली एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में, ऊपर पूरा एकदम स्ट्रेचिंग करेंगे बड़ी तरीके से, और आप इसी स्पीड से भी कर सकते हैं इस कंडीशन में। पूरा एकदम ऊपर उछाल मारना और हाथ ऊपर मिलाने हैं, फिर से नीचे ला दें इस कंडीशन में।
और अगले एक्सरसाइज लगाएंगे इस कंडीशन में, पैर रखने दोनों, ना ही ज़्यादा क्लोज ना ही ज़्यादा दूर इस कंडीशन में, पूरा एकदम अपने पैर को छू कर लगाना और दूसरा हाथ यहाँ लगाना फिर से नीचे, इस कंडीशन में पूरा एकदम बैक की मसल फिर लोड आ रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। और अगले एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में, पीछे आगे की तरफ, इससे हमारी चेस्ट की मसल पूरी खुल जाएंगे अच्छे से इस कंडीशन में, साइड से इस कंडीशन में, और अगले एक्सरसाइज दोनों पैरों को रखना है एक जगह और ये इस कंडीशन में घुमाना पूरा एकदम बॉडी को लचीला बनाते हुए इस कंडीशन में, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी लचीली नहीं होगी तो आप अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाओगे इस कंडीशन में। वर्कआउट से पहले बार्न अप करने के बहुत ही फायदे हैं, आपको इंजरीज के चांस भी बहुत ही कम होंगे और आपकी बॉडी भी एकदम वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। तो इस कंडीशन में ये वर्कआउट करनी है आपको पूरा एकदम घुमाते हुए, और अब घुमानी है इस कंडीशन में बाजू अपनी इस कंडीशन में पूरा एकदम साइड से, तो इसे आप तेजी से भी घुमा सकते हो इस कंडीशन में, इससे हमारे बाजू एकदम खुल जाएंगे, बाजू की मसल्स एकदम खुल जाएंगे इस कंडीशन में। और अगली एक्सरसाइज लगानी हमें इस कंडीशन में, अपने हाथ रखने यहाँ पर और रेस्ट लगाने के बाद अपना घुटना बनना यहाँ पर इस कंडीशन में, तो तेजी से करते हैं इस कंडीशन में, तो एक्सरसाइज आपको इस कंडीशन में करनी है। पूरा एकदम आपको जगह पे खड़े रह करनी है एक्सरसाइज, पूरा अगले एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में, पैर थोड़े दूर रखेंगे और साइड में इस कंडीशन में, तो इससे हमारी पूरी साइड की मसल पे एकदम पूरा अच्छा लोड आ रहा है इस कंडीशन में। वो एकदम आपको नीचे जाना है इस कंडीशन में, पूरा अगली जो एक्सरसाइज करनी है हमें इस कंडीशन में करनी है, ऊपर की तरफ पैरों से उछाल मारना है इस कंडीशन में, जिससे कि आप कोई भी जंप वगैरह लगा सकते हो तो एकदम आसानी से लगा सकते हो, आप कोई भी जंप वगैरह लगाते हो तो इस कंडीशन में। तो अगले एक्सरसाइज हम लगाएंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में टमी टांग रखेंगे और ये करते हुए इस कंडीशन में, पूरा एकदम पीछे की तरफ
इस कंडीशन में, और जो अगली एक्सरसाइज लगानी है हमें वो लगानी है इस कंडीशन में। तो अपनी टांग रखनी सीधी, ज़्यादा मोड़ना नहीं है, और सिर उसी लगाना है नीचे इस कंडीशन में, पूरा एकदम पीछे पूरा लोड आना चाहिए इस कंडीशन में। पूरा एकदम फोकस, और अगले एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में। अपने हाथ रखेंगे दोनों अपने कान के पास इस कंडीशन में, पूरा एकदम अपने घुटने से अपनी कोहनी मिलानी है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में और अगले एक्सरसाइज लगाएंगे हम। तो आपको सीधा खड़ा रहना है और अपनी इस कंडीशन में टांग को ऊपर की तरफ करना है इस कंडीशन में। तो बारी बारी से आपको दोनों टांगों को करना है, पहले आगे करेंगे और फिर साइड में, फिर धीरे धीरे आपको और ऊपर की तरफ करना इस कंडीशन में, पूरा करेंगे साइड में। इस कंडीशन में तो इस कंडीशन में तो यही थी अपनी आखिरी और फाइनल एक्सरसाइज। तो यही था, तो यही थी अपनी बोर मोबोर स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। तो आपको इनमें से जो भी एक्सरसाइज पसंद आए तो उन एक्सरसाइजों को कर सकते हो। तो वर्कआउट से पहले आप जो जो मैंने वो वार्म अप की एक्सरसाइज बताई हैं तो आप उन एक्सरसाइजों को 10 से 15 मिनट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम।